अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो जॉब्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स के अंदर, ये जॉब्स आई हैं 2020 की, ये जॉब्स हैं वजारत सेहत बराए इंसानी हकूक के अंदर, ये जॉब्स आई हैं 2020 की, ये जॉब्स हैं और पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इनका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी आसामियाँ आई हैं और पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल ए फॉर यू लेटेस्ट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सिंपल दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल दोस्तों आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने टाइप करना है फाइंड पाक जॉब्स के नाम से ये वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका मेन पेज आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप दोबारा फाइंड पाक जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल पेज आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका मेन पेज ऑफिशियल पेज हमारे सामने वेबसाइट का ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पर ये जॉब्स मौजूद है, देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स गवर्नमेंट जॉब्स 2020। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका मेन पेज हमारे सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ, इस यानी कि जॉब्स की डिटेल की तरफ देखते हैं हमें कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके लिए उन्होंने मांगा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स गवर्नमेंट जॉब्स 2020 और ये पोस्ट का नाम उन्होंने बताया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट अटेंडेंट, आया बिहेवियर, चौकीदार, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, कुक, ड्राइवर, हॉस्टल अटेंडेंट, जूनियर टीचर, लैब असिस्टेंट, LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, लेक्चरर, सीनियर टीचर्स, म्यूज़िक टीचर्स, नैब कासिद, नर्स। इसके अलावा ये हैं डिफरेंट किस्म की असामियाँ, देख सकते हैं आप, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्टैंडरी वर्कर, सोशल कैश वर्कर, सोशल ऑर्गेनाइज, स्पीच थेरेपिस्ट, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, ये पोस्ट हैं। डिफरेंट किस्म की असामियाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन मांगी है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, DIE, मास्टर, MBBS और PhD तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जून 2020 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ये उन्होंने दिया हुआ है अपना एडवर्टाइजमेंट, ये देखते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा कलरली नज़र आ सके हमें। ये देखें इसका, ये दोस्तों ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये देख सकते हैं आप। पहले जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये पोस्ट है 18 स्किल की पोस्ट हैं, दो पोस्ट हैं और 35 साल की एज तक उन्होंने मांगी है, 35 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1,25,000 पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है दोस्तों। और इसमें PhD डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, किसी में भी आपकी PhD हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं लेक्चरर सीनियर टीचर की पोस्ट है, इसका 17 स्किल हैं, 10 पोस्ट हैं इसकी और 22 से 30 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 90 लाख पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस तरह देख सकते हैं स्पेशल केस वर्कर 1 पोस्ट है, 28 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 90 लाख पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है और मास्टर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों देख सकते हैं आप, इनका सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और तमाम पोस्टों के रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया हुआ है। यानी कि 16,000 पर मंथ, यानी कि स्टैंडरी वर्क लास्ट पोस्ट है, स्टैंडरी वर्क इसकी 16,000 पर मंथ तनख्वाह है, प्राइमरी पास होना चाहिए, 16,000 पर मंथ से लेकर 1,25,000 पर मंथ इनका सैलरी पैकेज है, ठीक है दोस्तों। ये तो थी इसकी यानी कि रिक्वायरमेंट। अब इसको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, सिंपल दोस्तों ये उनका एप्लीकेशन फार्म है, नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये छोटा सा इनका एप्लीकेशन फार्म है एक पेज का। तो सिंपल ये आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल दोस्तों आपने इसके फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद तमाम रिक्वायरमेंट वगैरह जो आपके इनके असनाद वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट हैं, तमाम तालीमी असनाद अटैच वगैरह करके इसके साथ डॉक्यूमेंट करके आपने इनके एड्रेस पर सेंड कर देना है, ये उनका दिया हुआ है एड्रेस। सिंपल दोस्तों इसको अप्लाई करने का ये प्रोसेस है, ये तरीकाकार है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।